हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य व्रत कथा की सातवीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य सातवां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो, वो सब तरह के अमिष, मांस, गुड़, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करे। ये व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। ये व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय हुआ पका हुआ भोजन ग्रहण ना करे, चुगली व निंदा ना करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। ये केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल भी सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल भी बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ही खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देव, यम, दूत इस प्रकार देख भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। ये कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ व हजार की संख्या में किए जाने पर इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। यदि विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र और धन धान को बढ़ाने वाला है।